सभी विभागों में शिकायत लेकर आने वाले की परेशानी का जल्द ही हल निकाला जाएगा, ऐसा ही गाजियाबाद के जिला हॉस्पिटल को निर्देश दिए गए थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि नियमों को ताक पर रखकर जिला एमएनजी अस्पताल काम कर रहा है। इसका ताजा उदाहरण है जिला अस्पताल में मरीजों के लिए जहाँ पर खाना बनाया जाता है, वहाँ पर डॉक्टर्स के लिए पकवान बनाए जा रहे हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद के डीएम मनीष टीएस के द्वारा अस्पताल का औचक निरीक्षण भी किया गया था, जिसमें उसी दौरान कई कमियां मिलने पर डीएम साहिबा ने सीएमओ अजय अग्रवाल का मासिक वेतन भी काटा था। इन सभी से सीएमओ साहब की कान पर जू तक नहीं रहेंगी। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह डॉक्टर्स के लिए पकवान बनाए जा रहे हैं, और वो भी जो वहाँ पर जहाँ पर मरीजों के लिए खाना बनाया जाता है। अब देखना यह होगा कि इस खबर का असर सीएमओ साहब पर कितना पड़ता है और कब तक सीएमओ साहब अपने इस अस्पताल के हालातों को ठीक कर पाते हैं। बीते दिनों गाजियाबाद के डीएम मिनिस्ट्री एस के द्वारा जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण किया गया था, जिसमें कई कमी पाई गई थी, जिसके चलते गाजियाबाद के सीएमओ अजय अग्रवाल का मासिक वेतन भी रोका गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि सीएमओ साहब को अभी भी कोई सुध नहीं है। इन सब मामलों से तो ऐसा ही लग रहा है कि सीएमओ साहब एक टांग के नीचे जू तक नहीं रहेंगी है। हालांकि इस मामले पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है कि आखिर जिला अस्पताल में चल क्या रहा है, और उसके बाद अब आने वाले समय में जिला अस्पताल का सूरत हाल क्या होगा, ये देखते ही बनेगा।